हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में मैं इंस्पायर हुई हूँ एक समस्या से जिसे मुझे अक्सर करके शादी होने के बाद फेस करना पड़ रहा था, और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही मैं इस समस्या के बारे में आप लोगों से बात करूँगी, आप लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि कभी ना कभी आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को ज़रूर फेस किया होगा। तो मैं आई हूँ आप लोगों के सामने आज एक सोल्यूशन के साथ। नेट की जो साड़ियाँ होती हैं हम लोगों की, वैसे तो बहुत खूबसूरत होती हैं, काफ़ी हैवी बॉर्डर्स के साथ बनती हैं, मगर वो लेंथ में मैं नहीं जानती क्यों हमेशा छोटी होती हैं। और जब आपको सर पे पल्लू रखना होता है तो पल्लू जो है वो काफ़ी छोटा फील होने लग जाता है नेट की साड़ियों में। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये साड़ी ड्रेप क्रिएट करूँगी ताकि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं कि कैसे आप एक कॉन्ट्रास्टिंग या सिमिलर शेड की चुनरी का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल ही अलग किस्म का आउटफिट, अटायर और जॉनर भी क्रिएट कर सकते हैं, आज बलाज खूबसूरत भी लग सकते हैं, प्रेजेंटेबल लग सकते हैं और बहू की तरह फील कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने शुरुआत की है सिर्फ एक बेसिक ड्रेप से। ये बिल्कुल प्रॉपर एक नेट की साड़ी है, आप देख सकते हैं, काफ़ी नाजुक, काफ़ी डेलिकेट वर्क है और बॉर्डर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हैवी है और काफ़ी छोटा भी है। जैसे कि आप अभी देखेंगे, मैंने इसे शोल्डर पे प्लेस किया और ये जो है वो मेरी कमर तक भी ठीक से नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से जब इसे मैं सर पे रखती हूँ तो शोल्डर, दूसरे शोल्डर, तो जब ये मेरे राइट हैंड शोल्डर तो मुझे इसे पकड़ना होता है तो ये बहुत छोटी हो जाती है। इस वजह से मैं अब क्या करूँगी, मैं इसे नॉर्मली टक कर रही हूँ। मैंने नीचे की तरफ सेफ्टी पिन लगाया है जहाँ मैं प्लेट्स पे लगाती हूँ और उसके अंदर मैं नॉर्मली प्लेट्स बना रही हूँ एट द मोमेंट, और इसके बाद में मैं इन्हें सेंटर ऑफ द नेवल पे इन्हें अच्छे से पिन कर लूँगी। जैसे कि आप मुझे यहाँ पे करते हुए देख सकते हैं, मैं सारी प्लेट्स को एक बार गैदर कर रही हूँ और उसके बाद में मैं इन सभी प्लीट्स को नेवल के राइट अंडरनीथ द नेवल जो है, मैं इन सभी प्लीट्स को इंसर्ट कर दूँगी यहाँ पे। सो ये देखिए, मैंने इसे यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर दिया है और इसके बाद में मैं नीचे की तरफ झुक के सभी प्लीट्स को अरेंज कर लूँगी। साड़ी पहनने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई आपके साथ हो, या नेसेसरी नहीं है, आप अपने आप भी साड़ी पहन सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पल्लू की तरफ। ये ट्रिकी पोर्शन है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये पल्लू काफ़ी छोटा है। ये प्रॉब्लम गोल्डन वाली साड़ी में भी मेरे हुई थी। आप लोगों में से कई लोगों ने ये कमेंट भी किया था कि पल्लू काफ़ी छोटा है। मैं कुछ नहीं कर सकती गाइज, मेरी मजबूरी है, वो पल्लू उतना ही निकल के आता है मैं कोई भी नेट साड़ी बांधती हूँ। तो आप ये देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं अच्छे से प्रॉपरली अपने पल्लू की प्लीट्स को पकड़ रही हूँ और मैं जो जिसे उल्टे पल्ले की साड़ी कहते हैं, जो लेफ़्ट हैंड शोल्डर पर बांधी जाती है, की बजाय मैं सीधे पल्ले पर साड़ी पहनूंगी जिसे राइट हैंड शोल्डर पर बांधा जाता है। सो साड़ी का जो मेरा ये पल्लू है, इसे मैंने अरेंज कर लिया है। देखिए, मैंने सारी प्लीट्स को अरेंज कर लिया है और इसे मैंने राइट हैंड शोल्डर पे रखा है, जैसे हम लोग सीधे पल्लू की साड़ी पहनते हैं उस तरीके से। इसके बाद में मैं एक रफली सेफ्टी पिन भी अप्लाई करूँगी। पहले मैं ज़रा प्लीट्स को गैदर कर लूँ, सारी प्लीट्स को मैं अरेंज करूँगी प्रॉपरली। उसके बाद में मैं अपने शोल्डर पे सबसे पहले एक सेफ्टी पिन लगाऊंगी टू मेक श्योर कि मैं जो अगला स्टेप करने जा रही हूँ वो करने से पहले ही मेरी सेफ्टी पिन जो है वो मेरी प्लीट्स जो है वो गिर ना जाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अपनी साड़ी पे जो है शोल्डर पे प्लेट्स सेफ्टी पिन लगा दिया, उसे ब्लाउज से पिन कर दिया ताकि वो बार बार गिरे ना। अब मैं साड़ी की सारी प्लीट्स को नीचे से पकड़ूंगी। जिस जगह पे आप देख सकते हैं मैं पकड़ रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ टॉप पे जो बॉर्डर है उसे छोड़ दूंगी ताकि पता ना चले कि अंदर मैंने पिन लगा रखी है। वो तो टॉप का बॉर्डर मैंने छोड़ दिया, बाकी की मैंने सभी प्लीट्स को पकड़ लिया है और उन प्लीट्स को मैं अच्छे से सेफ्टी पिन लगा करके रोक दूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक सेफ्टी पिन अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शोल्डर पर से साड़ी के पल्लू को उतार देंगे एट द मोमेंट, और इसके बाद आप चाहें तो कॉन्ट्रास्टिंग, और हाँ, सेफ्टी पिन वापस से लगाना मत भूलिए और नीचे छोड़ दीजिए उसे। अब आप चाहें तो कॉन्ट्रास्टिंग चुनरी ले सकते हैं, जैसे मेरी पिंक कलर की साड़ी थी तो मैंने कोरल कलर की पिंक फैमिली की चुनरी ली है। आप चाहें तो बिल्कुल अल्टरनेट कलर्स ले सकते हैं, जैसे कि रेड या ग्रीन, वो भी बहुत खूबसूरत लगता। तो कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग कलर की चुनरी लीजिए, एक कॉनिकल समोसे जैसा शेप बना के उसे कमर में इंसर्ट कर लीजिए और उसके बाद में उसे खींच के सीधे पल्ले, उल्टे पल्ले में, जैसे हम लोग साड़ी बांधते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पल्ला लाते हुए, उस तरीके से आप अपनी साड़ी को, अपनी चुनरी को प्लीट कर लीजिए, ऐसे जैसे कि आप उल्टे पल्ले पर साड़ी पहन रहे हो। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा होगा
कि ये मैंने सीधे पल्ले पे साड़ी नहीं पहन रखी है, उल्टे पल्ले पे सॉरी साड़ी नहीं पहन रखी है। तो उसके बाद में अब मैंने अपनी साड़ी का पल्लू जो मैंने नीचे छोड़ दिया था उसे मैंने उठा लिया है और उसे मैं चुनरी के ऊपर से लेकर के आई हूँ गाइस। तो आपको चुनरी के ऊपर से ही लेके आना है पल्लू, बहुत ज़्यादा आपको आउटलुक जो है वो साड़ी का दबाना भी नहीं है। उसके बाद में आप उसे शोल्डर पे पिन कर लीजिए और थोड़े बहुत इधर उधर टिट्स एंड टोज एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ये देखिए हमारी साड़ी जो है वो बंध के बिल्कुल रेडी है और आप चुनरी की सहायता से बहुत आसानी से पल्लू भी ले सकते हैं सर पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज की डेट में जो मैंने ट्रेडिशनल अटायर क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ये आप वेडिंग्स पर भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्राई करें तो मुझे फोटोग्राफ्स में टैग ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें आज का साड़ी ड्रेप आपको कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।